सभी मिलकर मांग किए उनका सस्पेंड चाहिए, आइए हमें न्यूज कल मिलना चाहिए। जाम कीजिएगा तो उससे हम लोगों को भी नहीं नहीं, 5 मिनट में कोई परेशानी नहीं होगी। आज नेता लोग का भाषण होता है तो रोड जाम नहीं होता है, होता है कि नहीं? तो उससे परेशानी होता है कि नहीं? आज हमारे बजरंग बली के दरबार में 5 मिनट लगी जाम हो जाएगा, क्या परेशानी हो जाएगा? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त हम नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के अंबेर चौराहे पर मौजूद हैं। इस वक्त इसी जगह पे हनुमान मंदिर के पास आज आरती के समय गश्ती पुलिस पदाधिकारी के द्वारा श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज होने के बाद हनुमान भक्त आक्रोशित होकर इसी चौराहे पर सड़क को जाम करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दिए और आरोपी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। क्या कुछ हुआ है वो हम बात करेंगे। यहाँ के पुजारी हैं गुड्डू जी, क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन के द्वारा? जैसे प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी श्री हनुमान मंदिर के द्वारा भव आरती कराया जा रहा था। इसी के दौरान आरती हो गई थी, भक्तजन में सब प्रसाद का वितरण हो रहा था। एकाएक उधर से प्रशासन आई, गाड़ी से उतरी और श्रद्धालु पर लाठी चलाना स्टार्ट। हमने पूछा आखिर क्यों? वो बोले कि भीड़ भाड़ क्यों है? हम बोले पूजा में भीड़ नहीं होगा तो क्या में भीड़ होगा? और हम लोग सभी मिलकर मांग किए उनका सस्पेंड चाहिए, आइए हमें न्यूज कल मिलना चाहिए। तो आश्वासन तो पुलिस के द्वारा दिया गया है। हाँ। पुलिस के बड़ी अधिकारी के द्वारा दिया गया है, एसडीएम के द्वारा दिया गया है कि उन्हें निलंबित किया जाएगा। जी है ना, आश्वासन मिल गया ना? हाँ। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, ये और तो भरोसा है ना? हाँ भरोसा है। और अगले मंगलवार को हम लोग सभी जैसे आरती करते थे करेंगे, लेकिन पूरा रोड जाम करके ही आरती करेंगे, क्योंकि हम लोग भी मंदिर परिसर के द्वारा सब जितने भी सदर्क है हम लोग कुल दम रास्ता क्लियर करके आरती करते थे। बहुत दूर दूर से यहाँ कोई तरह परेशानी नहीं हो, रोड अगर जाम कीजिएगा तो उससे हम लोगों को भी परेशानी नहीं नहीं 5 मिनट में कोई परेशानी नहीं होगी। आज नेता लोग का भाषण होता है तो रोड जाम नहीं होता है, होता है कि नहीं? तो उससे परेशानी होता है कि नहीं? आज हमारे बजरंग बली के दरबार में 5 मिनट लगी जाम हो जाएगा, क्या परेशानी हो जाएगा? जाम भी नहीं। आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आ गई थी कि पुलिस के जो गश्ती में पदाधिकारी थे उनके द्वारा लाठी चार्ज किया गया? डायरेक्ट आया लाठी चला दिया ऐसे ही बेवजह। बेवजह महिलाओं को भी पिटा गया? जी हाँ, कई महिलाएं घायल हैं, कई श्रद्धालु लोग भी घायल हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों घटना के बाद यहाँ पे तो सैकड़ों की संख्या में हाँ श्रद्धालु आ गए, पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे, है ना, उनके सस्पेंशन का मांग करने लगे। जी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आप लोगों को भरोसा दिया गया? जी निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, होगी, है ना। हाँ, तो ये हमारे साथ गुड्डू जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं और ये हमारे पीछे आप ये वही मंदिर देख रहे हैं, बजरंग बली का ये मंदिर है, श्री श्री 108 हनुमान मंदिर अंबेर चौराहा। और इसी मंदिर में आज आरती हो रही थी। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ हनुमान जी की आरती होती है जिसमें सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त और श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। और उसी दौरान आरती होने के बाद बगल से इसी सड़क से थाने की गाड़ी गुजर रही थी, गश्ती की गाड़ी थी, और उस गश्ती की गाड़ी पर पुलिस पदाधिकारी और कुछ बल थे। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा श्रद्धालु पर लाठीचार्ज किया गया, आखिर क्या कुछ बात था वो पुलिस पदाधिकारी जाने, लेकिन लाठीचार्ज किया गया जिसके बाद यहाँ श्रद्धालु आक्रोशित होकर इसी चौराहे को जाम कर दिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का पसीना छूटने लगा क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु सड़क पर आकर विधि व्यवस्था को चरमरा दिए थे और उन्हें फिर इनकी मांग को माननी पड़ी क्योंकि इनका मांग था कि जिन पदाधिकारी के द्वारा इस तरह से श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उन्हें सस्पेंड किया जाए और निश्चित तौर पे उन्हें सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया, बिहार शरीफ के बड़ी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इन्हें भरोसा दिया गया है कि जो भी इस कुकृत्य में
शामिल पदाधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ आक्रोशित लोग शांत हुए हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा छा गया। जैसे ही लोगों को आश्वासन मिला, जैसे ही हनुमान भक्तों को यहाँ पे आश्वासन पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया, उसके बाद सन्नाटा छा गया। सभी हनुमान भक्त अपने अपने घर चले गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी और बातचीत करते हैं कि अगर सस्पेंशन नहीं किया गया तो फिर क्या आगे इन लोगों का जो है रुख होगा, है ना। अगर सस्पेंड उन लोगों को नहीं किया गया जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, तो क्या आप लोग आगे प्रदर्शन जारी रहेगी? प्रदर्शन जारी जी हाँ, एकदम कल ही इसका रिपोर्ट मिल जाएगा, है ना जी। आज जो हुआ था कम आज हुआ तो था, कुछ नहीं हुआ, नहीं मतलब इंसाफ नहीं मिलने पे इससे भी ज्यादा होगा, इंसाफ नहीं मिलने पे इससे भी ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल इससे भी ज्यादा होगा, है ना। तो ये हनुमान मंदिर के पुजारी लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दोषी पदाधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती है तो इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। निश्चित तौर पे जिला प्रशासन पे हम लोगों को भी भरोसा है कि दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।